इंडियन टीम के जितने भी फैंस हैं उनका यही कहना है कि इंडियन टीम ने T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता, उन्होंने हमारे दिलों को जीत लिया। मतलब यार अब साल बाद उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, ये कामयाबी वो 2023 के वर्ल्ड कप में भी हासिल कर लेते लेकिन फाइनल में आके वो थोड़ा सा चूक है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने हर कसर निकाली। तो इंडिया में जो जश्न का माहौल चल रहा है, मतलब इंडियन टीम अभी जो कुछ ही देर में एयरपोर्ट में लैंड करेगी, अब देखो यार जब कोई टीम जीती है तो उसके उसका मुल्क और उसके फैंस उनको कितनी इज्जत से नवाजते हैं और उस मुल्क की हुकूमत भी जो है वो कितनी मेहरबान हो जाती है। मतलब अब कैरिबियन में थी इंडियन टीम, वहाँ तूफान का बहुत बड़ा माहौल था, हर जगह ब्लॉक थी, सारे मतलब फ्लाइटें कैंसिल हो गई थी, लेकिन किसी तरीके से वो अभी दुबई लैंड करके दुबई से फिर एक प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में उनको न्यू दिल्ली लाकर नरेंद्र सिंह मोदी से वो मुलाकात करेंगे, फिर उसके बाद ओपन बस में वो इंडियन फैंस हैं जितने भी उनके साथ अट्रैक्ट करेंगे तो पूरे रोड में जश्न का माहौल होगा। ओपन बस में हर इंडिया की पूरी टीम अपने फैंस का शुक्रिया अदा करेगी और फैंस इंडियन टीम का शुक्रिया अदा करेंगे। फिर वानखेड़े स्टेडियम जो मुंबई का स्टेडियम है उधर पूरी एक तकरीब का माहौल है, क्योंकि हम उनके जो तीन प्लेयर है रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, जिनका ये आखिरी वर्ल्ड कप था T20 का, तो उनको भी खराज तहसीन पेश किया जाएगा, उनको भी अवार्ड्स दिए जाएंगे, रिवार्ड्स दिए जाएंगे जो कि इंडिया ने एक पैकेज की सूरत में इंडियन टीम को दे भी दिया है। 125 करोड़ का इनाम BCCI ने इंडियन टीम को दिया है, जो कि हर खिलाड़ी में तकरीबन 6-7 करोड़ रुपया आता है, तो पैसा ही पैसा है। जब आप जीतते हो पैसा भी आप पे मेहरबान होता है, इज्जत भी आप पे मेहरबान होती है, तो ये चीज़ें सारी इंडियन टीम ने खरीदी नहीं है, वो कमाई है। मतलब इंडियन टीम के लिए बारे में कहा जाता है कि इनको ज़रूरत से ज़्यादा फेवर देती है, इसलिए इनके ऊपर बहुत मेहरबान होती है, अंपायर्स इनको फेवर करते हैं ग्राउंड में, लेकिन आपने ये T20 वर्ल्ड कप देखा, हमें कोई ऐसा विजुअल दिखाई नहीं दिया। एंड में आके फाइनल में सूर्य कुमार यादव का फिर वो कैच सामने आ जाता है, बार बार जहन में आ जाता है, तो उस पर थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी हुई, लेकिन अभी वो भी चीज़ थम गई। लेकिन इंडियन टीम ने अपने फैंस को जो खुशी दी है उसकी कोई कीमत नहीं है। मतलब इंडियन फैंस रोहित शर्मा के गालों को पकड़ के इस तरह खींच रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मोहब्बत दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं अपने फैंस को, क्योंकि उन्होंने अपनी ऑडियंस को, अपने फैंस को बहुत बड़ी खुशी दी है वर्ल्ड कप की सूरत में। क्योंकि इंडिया में क्रिकेट वैसे है कि जैसे कोई मज़हब, मतलब एक इंडिया को एक क्रिकेट ही है जो कि पूरी आवाम को, पूरी कौम को एक मुतहद करती है, और किसी प्लेटफॉर्म में सारे फैंस इकट्ठे हो ना हो, लेकिन क्रिकेट ऐसी गेम है वहाँ सारे फैंस इकट्ठे होते हैं, इंडिया को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तानी फैंस पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। फिलहाल तो अभी इंडियन टीम विनर है, फैंस तो पाकिस्तान के फैंस, इंडियन के फैंस, इंडिया फैंस वो आपस में लड़ते रहते हैं सोशल मीडिया में, एक दूसरे को ट्रोल करते ही रहते हैं अभी, और दुनिया के बाकी फैंस अभी फिलहाल चुप हैं, इंडियन फैंस की जो सेलिब्रेशन है वो सारे देखेंगे टीवी पे। तो इंडियन टीम को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, इतनी बड़ी अचीवमेंट उन्होंने हासिल की है, और विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए पूरी आवाम बहुत खुश है कि उनको जाते हुए इतनी बड़ी खुशी मिल गई है।